चाणक्य एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हैं अपने डेली करंट अफेयर के 5 प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं सबसे पहले अपना पहला प्रश्न। विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? पहला ऑप्शन है 36, दूसरा है 38, तीसरा है 42 और चौथा है 32। इस प्रश्न का उत्तर है बी 38। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में उल्लेखनीय प्रगति की है। 6 स्थान ऊपर चढ़कर 139 देशों में से 38 स्थान हासिल किया है। यह 2018 में 44 रैंक और 2014 की 54 रैंक की अपनी पिछली रैंकिंग से पर्याप्त उन्नति है। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में विभिन्न राज्यों की रसद आसानी रिपोर्ट 2022 को भी प्रकाशित किया है। रसद प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक उपकरण है जो देशों को उनके व्यापार रसद प्रदर्शन का आकलन करने और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। LPI मापता है कि देश कितनी आसानी से विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं और इसके कारक जो इसे संभव बनाते हैं। रसद प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए LPI सीमा शुल्क प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, शिपमेंट की व्यवस्था में आसानी, रसद सेवाओं की गुणवत्ता, खेप पर नज़र रखने और अनुरेखण और शिपमेंट की समयबद्धता सहित 6 मापदंडों पर विचार करता है। LPI हर 2 साल में जारी किया जाता है, जिसका नवीनतम संस्करण LPI 2023 है, जिसमें 139 देशों के डेटा को शामिल किया गया है। पहली बार LPI 2023 व्यापार की गति को मापने के लिए बड़े डेटा सेट से प्राप्त संकेतों का उपयोग किया गया है, जिससे देशों के बीच अधिक सटीक तुलना की अनुमति प्रदान होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक पारंपरिक डाई अमोनिया फॉस्फेट को बदलने के लिए IFFCO द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला ऑप्शन है नैनो तरल DAP, दूसरा है फॉस्फोरस उर्वरक, तीसरा है कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर उर्वरक और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ए नैनो तरल DAP। नैनो तरल DAP IFFCO द्वारा पारंपरिक DAP उर्वरक को बदलने के लिए शुरू किया गया है। नैनो DAP की एक बोतल पारंपरिक DAP के 50 किलो डाई अमोनिया फॉस्फेट बैग की जगह इस्तेमाल की जा सकती है। नैनो DAP की 500 ml की बोतल की कीमत ₹600 है, जो कि पारंपरिक DAP की कीमत के आधे दाम में है। नैनो DAP में 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस होता है। यह आयातिक उर्वरकों पर भारत की निर्भरता को कम करेगा और गेहूं, चीनी और आलू के किसानों की आय को भी बढ़ावा देगा। नैनो DAP की पहली निर्माण इकाई गुजरात में कलोल में स्थापित की जाएगी। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वागत पहल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? हमारा पहला ऑप्शन है एक सांस्कृतिक उत्सव, दूसरा है एक खेल टूर्नामेंट, तीसरा है तकनीकी जो आधारिता है शिकायत निवारण कार्यक्रम में और चौथा है गरीबों के लिए एक बीमा योजना। इस प्रश्न का उत्तर है सी तकनीक आधारित शिकायत निवारण कार्यक्रम। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। स्वागत पहल नागरिकों की शिकायत को हल करने के लिए एक प्रौद्योगिक सक्षम कार्यक्रम 2003 में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। यह कागज रहित और पारदर्शी समाधान प्रदान करते हुए कुशल और समयबद्ध तरीके से उनके दैनिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए लोगों और सरकार के बीच एक संबंध के रूप में कार्य करता है। इस कार्यक्रम के 4 घटक हैं। पहला है राज्य स्वागत, दूसरा है जिला स्वागत, तीसरा है तालुका स्वागत और चौथा है ग्राम स्वागत। मुख्यमंत्री राज्य स्वागत के दौरान जन सुनवाई में भाग लेते हैं और जिला कलेक्टरेट
और प्रथम श्रेणी के अधिकारी क्रमशः जिला, तालुका और ग्राम स्वागत का प्रबंधन करते हैं। इस कार्यक्रम में जीवन यापन में आसानी को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सेवा, वितरण जवाबदेही और जवाबदेही में सुधार करके और 99% से अधिक शिकायतों को ऑनलाइन निपटाने से लेकर काफ़ी सारे परिवर्तन लाए गए हैं। स्वागत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई गवर्नेंस में सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में स्वीकार किया गया है और सार्वजनिक सेवा में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व को बढ़ाने के प्रयास के लिए इसने 2010 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार भी जीता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, इसमें से कौन सी पुस्तक श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा लिखी गई है? हमारा पहला ऑप्शन है द गोल्ड थ्रेशोल्ड, दूसरा है दुखी भारत, तीसरा ऑप्शन है एक भारतीय तीर्थयात्री और चौथा ऑप्शन है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच साझा इतिहास की प्रशंसा की, सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी नवचार करने के लिए भारत की आंतरिक शक्ति का आश्वासन प्रदान करते हैं। गुजरात सरकार द्वारा आयोजित सौराष्ट्र तमिल संगम उत्सव सौराष्ट्र के तमिल को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए एक साथ लाएगा। त्यौहार को सरदार पटेल और तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के राष्ट्रवादी उत्साह के अभिसरण के रूप में भी देखा जा रहा है। सौराष्ट्र में रहने वाले हजारों लोगों ने केंद्र द्वारा आयोजित विशेष रेलगाड़ियों से तमिलनाडु में अपने पूर्वजों के स्थान का दौरा किया। उत्सव के समापन के दौरान पीएम मोदी ने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा लिखी गई पुस्तक सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति का विमोचन भी किया। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रावधान का विद्युत मंत्रालय ने अवैध और असंवैधानिक घोषित किया है? पहला हमारा ऑप्शन है बिजली उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर, दूसरा हमारा ऑप्शन है बिजली के उत्पादन पर राज्यों द्वारा लगाए गए कर, तीसरा ऑप्शन है अन्य राज्यों में उपभोक्ताओं से एकत्र बिजली की खपत पर कर, और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। हमारे इस प्रश्न का उत्तर है बी। केंद्र सरकार ने राज्यों को बिजली उत्पादन पर कर या शुल्क लगाने के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जिसमें जल उपकर भी शामिल है क्योंकि यह अवैध और असंवैधानिक है। राज्यों के मुख्य सचिवों को चेतावनी भेजी गई है और केंद्रीय बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने यह चेतावनी भेजी। कुछ राज्य बिजली उत्पादन के लिए पानी के उपयोग पर भी जल उपकर लगाने की आड़ में कर या शुल्क लगाते रहे हैं, जो वास्तव में बिजली उत्पादन पर ही कर है। बिजली उत्पादन पर कर भले ही जल उपकरण की आड़ में लगाया गया हो, अंततः बिजली ने उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं। अगर हम देखें तो वास्तव में बिजली उत्पादन पर लगने वाले जो कर हैं वो अन्य राज्यों के निवासी हों उनसे ही वसूल किया जाना चाहिए, ना कि राज्य में जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के प्रश्न। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल चाणक्य IAS को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।